हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई यूट्यूब फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करेंगे जिस टॉपिक के बारे में आपने रिक्वेस्ट की थी सोशल डेवलपमेंट जो पेपर वन चाइल्डहुड हुड एंड डेवलपमेंटर ईयर्स का एक टॉपिक है सोशल डेवलपमेंट का मीनिंग देखेंगे क्या क्या स्टेजेस थी एरिक Eric एरिक्सन ने जो दी थी उसके बारे में हम बात करेंगे साथ में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट

और उस बच्चे ने सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उसको फॉलो किया और उसके नॉलेज को गेन किया साथ में जो वैल्यूज़ सोसाइटी ने दी जो स्किल्स सोसाइटी ने सिखाए क्या उस बच्चे ने उन स्किल्स को सीखा सो so, अगर उस बच्चे में ये सब क्वालिटीज हैं तो हाँ उस बच्चे की सोशल डेवलपमेंट हुई है अगर ऐसी क्वालिटीज नहीं है सो तो बच्चे की सोशल डेवलपमेंट नहीं हुई है सो दिस इज द मेन पॉइंट एंड सोशल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस थ्रू विच चिल्ड्रन लर्न टू बिल्ड रिलेशनशिप्स विच मीन्स की जो सोशल डेवलपमेंट है वो वैसा प्रोसेस है जिसमें बच्चे सीखते हैं कि कैसे अपने रिश्तों को बनाना है जो सोसाइटी के लोग हैं उनके साथ कैसे रिलेशनशिप्स बिल्ड करने हैं इट इन्वॉल्व्स लर्निंग ऑफ वैल्यूज वैल्यू सीखता है बच्चा नॉलेज गेन करता है और स्किल्स सीखता है जिससे वो बच्चा दूसरों के साथ इंटरैक्ट हो सके सो दिस इज सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट उस तरह की डेवलपमेंट होती है जिससे बच्चा एक यूजफुल मेंबर बन सके उस सोसाइटी का जिस सोसाइटी से वो बच्चा बिलोंग करता है और ऐसा भी कहा गया है कि एक इंडिविजुअल तब ही human being बनता है जब वो किसी सोसाइटी का मेंबर हो सो पॉइंट एंड चाइल्ड नॉट ओनली यानी कि जो बच्चा है जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है तो वो फिजिकल मेंटल इमोशनल बिहेवियर ही नहीं उसके डेवलप होते हैं साथ ही साथ उसके सोशल बिहेवियर भी डेवलप होते हैं सो so, ये है सोशल डेवलपमेंट की एक इंट्रोडक्शन से अब देखते हैं कुछ डेफिनेशंस जो साइकोलॉजिस्ट ने दी हैं सोशल डेवलपमेंट को लेकर फर्स्ट डेफिनेशन है हर लोग की सो अकॉर्डिंग टू हर लोग सोशल डेवलपमेंट मीन्स अटेनिंग ऑफ मेच्योरिटी इन सोशल रिलेशनशिप्स की जो हमारे सामाजिक रिश्ते हैं जो सोसाइटी के लोग हैं जिनसे हमने अपने रिलेशनशिप बिल्ड किए हैं अगर उसमें हम मेच्योरिटी को अटेन करते हैं सो सोशल डेवलपमेंट हो गई है सेकेंड अकॉर्डिंग टू स्वामी सोशल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस बाय द चाइल्ड लर्न टू इंटरेक्ट विद द एंड ऑफ वेरियस ग्रुप्स सोशल डेवलपमेंट वो प्रोसेस है जिसमें चाइल्ड सीखता है कि किस तरह से मुझे किसी दूसरे की एक्सपेक्टेशंस पर अच्छा उतरना है ठीक है सो दिस इज द पॉइंट थर्ड अकॉर्डिंग टू गैरट सो so गैरिट कहते हैं कि सोशल डेवलपमेंट वैसा प्रोसेस है जहां पर एक जो बायोलॉजिकल इंडिविजुअल है जैसे उसका जन्म हुआ है वो कन्वर्ट होता है एक ह्यूमन पर्सन में जैसे हमने पहले भी देखा कि एक इंडिविजुअल तब ही ह्यूमन बीइंग बन पाएगा जब उसकी सोशल डेवलपमेंट हुई होगी सो फ्रेंड्स ये थी कुछ डेफिनेशन सोशल डेवलपमेंट की इसके बाद हम कुछ सोशल डेवलपमेंट की स्टेजेस के बारे में बात करेंगे सो एक थ्योरी भी है जिसका नाम है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी जो दी थी एरिक एरिक्सन ने सो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे आपको जो आप फ्यूचर में टैट के एग्जाम दोगे तो वहां पर ही भी ये क्वेश्चन आता है कि हु गिव द थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट सो उसका आंसर है एरिक एरिक्सन और उन्होंने एट स्टेजेस दिए थे जिनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे सो दीज आर द एट स्टेजेस जो एरिक Eric एरिक्सन ने दिए थे अपनी साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी में फर्स्ट पॉइंट इज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट यानी कि बच्चे में ट्रस्ट डेवलप होता है अगर बच्चे में ट्रस्ट नहीं डेवलप हुआ तो मिसट्रस्ट वाला क्राइसिस बच्चे में डेवलप होता है और इस स्टेज कब स्टार्ट होती है जब से बच्चे ने जन्म लिया उसके बाद वन एंड हाफ इयर्स तक यानी कि जन्म से 18 मंथ्स तक ये स्टेज चलती है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट सेकेंड है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट बच्चे में पहले ऑटोनॉमी आएगी अगर ऑटोनॉमी नहीं आई तो क्राइसिस डेवलप होगा शेम एंड डाउट का बच्चा शेम और डाउट फील करेगा ये स्टेज चलेगी 18 मंथ से लेकर 3 इयर्स की एज तक थर्ड इज इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट बच्चा इनिशिएट लेगा अपने इन्वायरमेंट के साथ इंट्रैक्ट होने में अगर उसने इनिशिएट नहीं लिया सो उसमें क्राइसिस डेवलप हो जाएगा गिल्ट का और ये स्टेज है थ्री टू सिक्स इयर्स के बीच फोर्थ वन इज इंडस्ट्रियसनेस वर्सेस इंफीरियोरिटी अगर बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा स्कूल में तो उसमें आएगी क्वालिटी इंडस्ट्रियसनेस की अगर नहीं करेगा तो उसमें क्राइसिस डेवलप हो जाएगा इंफीरियोरिटी का और ये होगी सिक्स टू ट्वेल्व ईयर्स के बीच की स्टेज नेक्स्ट स्टेज इज आइडेंटिटी वर्सेज रोल कन्फ्यूजन इस स्टेज जो एडोलेसेंस स्टेज होती है ट्वेल्व टू ट्वेंटी इयर्स के बीच उसमें बच्चा अपनी आइडेंटिटी बनाना शुरू करता है कि मैं कौन हूँ सो so, अगर बच्चा उसमें सफल हो गया आइडेंटिटी बनाने में सो वेल एंड गुड अगर नहीं तो उसमें क्राइसिस डेवलप होगा रोल कन्फ्यूजन का और इसकी एज है ट्वेल्व टू ट्वेंटी ईयर्स दैट इज एडोलेसेंस वाली एज नेक्स्ट पॉइंट इज इंटीमेसी वर्सेज आइसोलेशन सो इस स्टेज में सेंस ऑफ इंटीमेसी डेवलप होती है एक इंडिविजुअल में

जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन है उसको नर्चर करेगा उसमें जनरेटिविटी की आएगी। अगर वैसा नहीं हुआ, तो क्राइसिस डेवलप होगा, का, यानी कि स्थिरता का लास्ट स्टेज इज इको इंटीग्रिटी वर्सेस डेयर ये स्टेज चलती है 65 फाइव ऑनवर्ड, ऑन जब तक उस इंडिविजुअल की डेथ ना हो जाए तब तक ये लास्ट स्टेज चलती है इसको आप ओल्ड एज भी कह सकते हो इस स्टेज में कुछ लोग जो होते हैं उनके कोई रिग्रेट्स नहीं रहते हैं वो लोग फिर डेथ से भी डरेंगे सो so, ये कुछ स्टेजेस हैं जो एरिक्सन ने दी हैं। सो so, इसके रिगार्डिंग मैं अभी आपको एक टेबल भी दिखाती हूँ वहां से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैं आपके साथ क्या बात कर रही थी अभी सो फ्रेंड्स फर्स्ट जो स्टेज थी जो मैंने आपको बताया ट्रस्ट वर्सेस की, की जो नीड्स थी वो पूरी हुई तो बच्चे में क्वालिटी डेवलप होगी ट्रस्ट की बच्चा ट्रस्ट करना सीखेगा उसके पेरेंट्स पर जो भी उसके केयर हैं उन पर अगर ऐसा नहीं हुआ बच्चे, का, बच्चे को ट्रस्ट नहीं होता उन पर तो उसमें क्राइसिस डेवलप होगा मिसट्रस्ट का ठीक है सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट सेकेंड इज ऑटोनॉमी वर्सेज शेम एंड डाउट सो इस एज में बच्चा चलना सीखता है बच्चा दौड़ना सीखता है जो उसके ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हैंडल करना सीखता है अगर बच्चे को ऐसा करने दिया तो उसमें डेवलप होती है ऑटोनॉमी की कंडीशन और अगर बच्चे की जो एबिलिटीज हैं उन पर डाउट किया पेरेंट्स ने उनका हार्श और रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर आया तो बच्चे में शेम एंड डाउट का जो क्राइसिस है वो डेवलप हो जाएगा ठीक है वो अपनी एबिलिटीज पर डाउट करेंगे सो दिस इज द सेकंड थर्ड वन इज इनिशियटिव वर्सेज गिल्ड इसके मैंने आपको बताई थी थ्री टू सिक्स इयर्स जिसमें बच्चे प्री प्राइमरी स्कूल्स में जाने लगते हैं सो so, उनको कहते हैं प्री स्कूलर्स लर्न टू इनिशिएट टास्क एंड कैरी आउट प्लान्स बच्चे इनिशिएट करते हैं टास्क में जैसे अपने घर में वो अपने पेरेंट्स की हेल्प भी करते हैं साथ साथ में अपने स्कूल में भी वो बच्चों के साथ खेलते हैं सो so, अगर उन्होंने इनिशिएटिव लिया और वो उसमें सफल हुए देन उसमें इनिशिएटिव वाली जो क्वालिटी है वो डेवलप होगी अगर नहीं तो उनमें गिल्ट वाली क्राइसिस जो है वो डेवलप होगी दे फील गिल्टी अबाउट एफर्ट्स टू बी इंडिपेंडेंट ना फोर्थ स्टेज इज इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी और इसकी एज बताई थी मैंने आपको सिक्स टू ट्वेल्व इयर्स इस एज को हम लेट चाइल्डहुड की स्टेज भी कहते हैं बच्चे वेरियस टास्क परफॉर्म करते हैं वो स्कूल जाते हैं फर्स्ट क्लास में बच्चे की एडमिशन होती है जो सिक्स एज होती है उसमें सो so, उस समय ये स्टेज डेवलप होते हैं इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी अगर बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है स्कूल में अपने घर में और अपने सोशल इन्वास में तो उसमें डेवलप होगी सेंस ऑफ इंडस्ट्रियसनेस। अगर नहीं कर पाया बच्चा वो अपने पेयर से भी पीछे रहा सो तो उसमें क्राइसिस डेवलप होगा इन्फीरियोरिटी का कि वो उन बच्चों से पीछे है सो दिस इज द फोर्थ स्टेज फिफ्थ स्टेज इज आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन ये स्टेज होती है एडोलेसेंस की सो so, जो स होते हैं उनमें कुछ क्वेश्चन आते हैं कि मैं कौन हूँ मुझे क्या करना है क्या मैं यही हूँ जो मुझे बनना था सो so, इस तरह के बच्चा अपने आप से क्वेश्चन करता है है कि उसके रोल्स क्या हैं ठीक सो so, वो अपनी आइडेंटिटी को डेवलप करने की कोशिश करता है वो सभी टीचर्स की नजर में आना चाहता है कि मैं तो अच्छा बच्चा हूँ टाइप्स सो दिस इज आइडेंटिटी अगर बच्चा वो कर पाया सो so, उसमें डेवलप होगा सेंस ऑफ आइडेंटिटी अगर नहीं कर पाया सो क्राइसिस डेवलप होगा कंफ्यूजन का Sixth stage is intimacy versus isolation. इस age में जो इंडिविजुअल है वो एडल्ट होता है और वो स्ट्रगल करता है कि वो में में आए। For example, marriages, अगर वो वो आ गया, तो जो intimacy की sense है डेवलप होगी अगर नहीं तो आइसोलेशन वाला क्राइसिस आएगा और वो इंडिविजुअल सोशली आइसोलेटेड हो जाएगा वो अकेला महसूस करेगा Seventh, Stage is 45 65 कोशिश करते हैं थ्रू उनकी फैमिली या फिर उनका जो काम है वो अगर वो नहीं कर पाए वो लैक हो जाएं इस पर्पस में, तो वो स्टेग्नेशन वाली जो क्राइसिस है उसमें आ जाते हैं लास्ट स्टेज इज इंटीग्रिटी वर्सिज डेसअपेयर

सिर्फ ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन सोशल डेवलपमेंट एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ एडिक्रिक्सन तो उसमें आप इन स्टेजेस को लिखोगे साथ में आप इनको एक्सप्लेन भी करोगे सो so, अब हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस पहले हम चाइल्डहुड के बारे में बात करेंगे उससे पहले मैं आपको फोर स्टेजेस बताऊंगी जो डेवलपमेंट की फोर स्टेजेस होती हैं फर्स्ट स्टेज इज इनफेंसिंग जब से बच्चा जन्म लेता है तब से दो साल की जो एज होती है वो इन्फेंसी स्टेज होती है सेकेंड इज अर्ली चाइल्डहुड और उसकी एज होती है टू टू सिक्स ईयर्स थर्ड स्टेज इज लेट चाइल्डहुड जो होती है सिक्स टू ट्वेल्व ईयर्स की स्टेज एंड फोर्थ वन इज एडोलसन जिसको प्यूबर्टी की एज भी होती है जिसमें सभी टीन आते हैं ट्वेल्व टू एटीन ईयर्स की एज सो so ये फोर स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की स्टेजेस फर्दर भी हैं जैसे हमने पीछे एरिक्रिक्शन की थ्योरी में देखा बट हम बात करेंगे क्योंकि हमने स्कूल चिल्ड्रन के बारे में हमारी स्टडी है सो so, हम इन स्टेजेस के बारे में अभी बात करेंगे सो so, करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड दैट इज टू टू सिक्स इयर्स वाले बच्चों के क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं कि वो सोशली डेवलप कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं फर्स्ट वन इज कोऑपरेट विद अदर्स जो बच्चा है वो अपने फ्रेंड्स के साथ कोऑपरेट करेगा ठीक है सेकेंड वन इज पार्टिसिपेट इन ग्रुप एक्टिविटीज बच्चा ग्रुप की एक्टिविटीज जो होंगी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहेगा जैसे ग्रुप डांस हो गए रोल प्लेइंग रोल प्लेइंग मतलब किसी दूसरे का रोल को प्ले करेंगे बच्चे उसमें भी वो खुश होते हैं आउट गोइंग होंगे बच्चों का नेचर फ्रेंडली होगा एंड इमेजिनरी प्ले मेट दिस इज द मेन पॉइंट कि जो बच्चे हैं वो इमेजिन करेंगे कि उनके सामने उनका कोई साथी है और वो उससे बात कर रहे हैं उससे वो खेल रहे हैं जैसे आपने देखा भी होगा जो छोटे बच्चे हैं वो खुद से ही बातें करते हैं हम सोचते हैं कि वो खुद से क्यों बातें कर रहे हैं सो so, उस बच्चे के इमेजिनरी प्ले मेट्स होते हैं जिनसे वो बातें करते हैं उनके साथ वो खेलता है एंड लाइक्स एंटरटेनिंग पीपल एंड मेकिंग दैम लाफ जो छोटे बच्चे होते हैं जो उनके घर में बड़े अडल्ट होते हैं वो उनको एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं उनको हंसाने की कोशिश करते हैं पॉइंट इज अफेक्शन एंड केयरिंग बच्चे केयर दिखाएंगे किसी दूसरे के प्रति स्पेशली उनके लिए जो उनसे छोटे होंगे या फिर किसी को चोट लग गई है तो वो बहुत केयर करते हैं उसकी सो so, ये थी अर्ली चाइल्डहुड की कुछ प्रैक्टिस अब बात है लेट चाइल्डहुड की जो लेट चाइल्डहुड होता है दैट इज

ये मेरी टीम हो गई ये तेरी टीम हो गई और हम साथ में खेलेंगे इम्पोर्टेंस एंड सेवन पॉइंट इज सेक्स डिफरेंस इस एज में बच्चे जो लड़के और लड़कियां होती है वो अलग अलग खेलना प्रेफर करते हैं कि हमने लड़कियों से बात नहीं करनी है लड़कियों से लड़ाई करते हैं बच्चे सो so यही वो स्टेज होती है लेट चाइल्डहुड की सिक्स टू ट्वेल्व ईयर्स के बीच नेक्स्ट इज एडोलेसेंस एडोलेसेंस की की एज एज जो होती है उसको गोल्डन पीरियड भी कहा गया है किसी की लाइफ में ये टीन एज होती है जब बच्चों में प्यूबर्टी आती है बच्चों में बहुत सारे बहुत सारे सारे फिजिकल चेंजेस चेंजेस आते आते हैं हैं और भी सो फर्स्ट पॉइंट इज सेक्स कॉन्शियसनेस बच्चे अपने को लेकर कॉन्शियस होते हैं और वो फ्रेंडशिप करना चाहते हैं अपोजिट सेक्स से जैसे लड़कियां हैं तो वो लड़कों के साथ फ्रेंडशिप करना चाहेंगी और जो लड़के हैं वो लड़कियों के साथ फ्रेंडशिप करना चाहेंगी Second point is social consciousness. Social consciousness मतलब की कि जो बच्चे हैं वो प्रेज होना चाहते हैं अपने पेरेंट्स से अपने से, अपने फ्रेंड्स के वो सेंटर अप्रूवल मिले सभी से सो दैट इज सोशल कॉन्शियसनेस थर्ड इज ग्रुप लॉयलिटीज जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वो अपने ग्रुप के लिए लॉयल होंगे उनमें क्वालिटी ऑफ सिंपथी आएगी ठीक है सोशल सर्विस बच्चे करना चाहेंगे एंड लीडरशिप की क्वालिटी सिंपति डेवलप होगी कोऑपरेशन होगी कंपटीशन भी बच्चे करना चाहेंगे सो so ये सब क्वालिटीज हैं ये सब प्रैक्टिस्टिक्स हैं जो डेवलप होते हैं ड्यूरिंग द एडोलेसेंस पीरियड अब बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं सोशल डेवलपमेंट को फर्स्ट वन इज सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फैमिली कि जो फैमिली है उसका सोशियो यानी कि सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस क्या है सो so, अगर बच्चे की फैमिली का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो हाई है सो so बच्चे में भी वो लार्ज सर्कल मिल सकेगा कि वो उस सोसाइटी में डेवलप हो सके और उसमें क्वालिटीज डेवलप हो सके जो सोसाइटी में हैं सेकेंड इज स्कूल प्रोग्राम्स सो स्कूल में बहुत सारे बच्चे को अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं उसको उसका फ्रेंड सर्कल मिलता है उसके पीयर्स बनते हैं वो ग्रुप रिटीज वहाँ से सीखते हैं उनको गाइडेंस मिलती है टीचर से वो सोशली कम्युनिकेट कर सकते हैं सो so, इस तरह के प्रोग्राम्स हों सो बच्चे की सोशल डेवलपमेंट जो होगी वो अच्छी होगी थर्ड इज़ होम इन्वायरमेंट फैमिली है जो घर है वो फर्स्ट सोशलाइजेशन एजेंसी है ठीक है सो so, जितना अच्छा घर का इन्वायरमेंट होगा जितना हैप्पी इन्वायरमेंट होगा उतने ही बच्चा सोशली एडजस्ट कर पाएगा और उसकी सोशल डेवलपमेंट होगी फोर्थ वन इज़ पीयर ग्रुप्स ग्रुप्स होते हैं जो फ्रेंड्स का ग्रुप होता है जो साथ में पढ़ते हैं ठीक है तो वहां से बच्चा बहुत सारी क्वालिटीज सीखता है जैसे एक्सेप्टेंस हो गई बिलोंगिंगनेस होगी एक्सप्रेशन वो अपने एक्सप्रेशन को शो कर सकता है वो अफेक्शन शो करेगा अपने फ्रेंड्स के प्रति सो ये सारी क्वालिटीज वहां से आती हैं फिफ्थ पॉइंट इज मास मीडिया जैसे मास मीडिया में एजेंसीज आते हैं जैसे सिनेमाज हो गए न्यूज पेपर हो गए रेडियो टीवी हो गए सो वहां पर भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है जिससे उसकी सोशल डेवलपमेंट हो सके सिक्स इज इंफ्लुएंस ऑफ कल्चर जिस तरह का बच्चे का कल्चर है जिस कल्चर में बच्चा डेवलप हो रहा है वो बच्चा उस ही कल्चर को सीखेगा और वहीं से उसकी सोशल डेवलपमेंट होगी सेवन्थ इज कम्युनिटी एंड नेबरहुड जो कम्युनिटी है और जो आस पड़ोस है बच्चे का वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन द प्रोसेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट क्योंकि जिस तरह की कम्युनिटी होगी जिस तरह का नेबरहुड होगा बच्चा भी वही सीखेगा एथ पॉइंट इज लव एंड अफेक्शन सो जो लव एंड अफेक्शन है ना वो बच्चे की बेसिक नीड है बच्चा चाहता है कि सभी उससे प्यार करें उसको सिक्योर फील करवाए ताकि उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो भी डेवलप हो सो so, ये सारे फैक्टर्स थे जो अफेक्ट करते हैं सोशल डेवलपमेंट को अब एन में बात करते हैं कि वट आर द रोल ऑफ स्कूल एंड टीचर्स इन द प्रोसेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट इसको आप एजुकेशनल इम्प्लीकेशन भी कह सकते हैं इसकी फर्स्ट पॉइंट इज स्कूल्स में कम्युनिटी एक्टिविटीज करवाई जाएं जैसे कैंप्स हो गए फील्ड ट्रिप्स हो गए सर्विसेज भी करवाई जाएं सेकंड पॉइंट इज कि इजर्स और पेरेंट्स को बच्चे की पर्सनैलिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए क्योंकि सभी बच्चे अलग अलग हैं सो so सभी बच्चे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए टीचर्स को थर्ड पॉइंट इज किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं हो बच्चे के साथ फोर्थ पॉइंट इज टीचर्स को ये इंकरेज करना चाहिए कि उन बच्चों को इंटरकास्ट रहना है राधर देन इंटरा कास्ट इंटर का मतलब होता है कि बच्चों को किसी से भेदभाव नहीं करना है कि उनको दूसरी कास्ट के जो बच्चे हैं उनके साथ भी मिक्स होना है राधर देन इंट्रा कास्ट की सिर्फ अपनी ही कास्ट के बच्चों के साथ खेलना है सो so, ये कुछ रोल्स थे स्कूल्स के इन सोशल डेवलपमेंट तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं अगर यहाँ पर नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी डीएम कर सकते हैं So, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ सो फ्रेंड दैट सोल्व फॉर नाउ थैंक यू सो मच वॉचिंग अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके जाना चैनल को सब्सक्राइब करके जाना थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय बाय टेक केयर